डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी अजूहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट की फॉर्म, या जिसको हम फोटोन कहते हैं, फोटोन की फॉर्म में एमिट्स होती है। तो उसी थ्योरी के बेसिस पर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया। तो देखो, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्या कहना था आइंस्टीन साहब का। तो ये कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और यहाँ पर अपने पास कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, इससे फोटॉन्स आ रहे हैं। सपोज दैट बहुत सारे फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, उस फोटोन की एनर्जी है e, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू हो तो एनर्जी को हम लिखते हैं इक्वल टू एच इनटू न्यू। तो आइंस्टीन का ये कहना था कि जैसे ही फोटोन यहाँ पर आएगा तो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। मतलब ये फोटोन जो अपनी एनर्जी है, एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देगा। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सपोज दैट इतनी एनर्जी का फोटोन आया यहाँ पर और ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इससे अब दो काम होंगे इस एनर्जी से। कुछ एनर्जी का यूज ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर से और इसकी सरफेस तक आने में यूज करेगा, बाकी की जो एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे ये एमिट होते ही दौड़ना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो आइंस्टीन का यही कहना था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, वो दो फॉर्म में यूज होती है। एक फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से उसकी सरफेस तक आने में यूज करता है, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, तो डब्ल्यू नॉट प्लस, बाकी की एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है भाई? तो दोबारा से देख लो क्या है, ये फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जैसे ही फोटोन आएगा इतनी एनर्जी का, ये अपनी एनर्जी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा, उस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में करेगा। कुछ एनर्जी तो वो मेटल के अंदर से सरफेस तक आने में यूज कर लेगा, बाकी की एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये हमने लिख दिया वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखो, जो वर्क फंक्शन होता था डब्ल्यू नोट, उसका फॉर्मूला होता है एच इंटू न्यू नोट, वेयर न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वी हैव डिस्कस्ड दिस फॉर्मूला। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो एच न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू नोट को यहाँ पे लिख देंगे एच इंटू न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको हम इधर ले आते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी से आया है, तो इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इट इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है अभी? इसी को तुम आगे चाहो तो लिख सकते हो, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। तो यहाँ पर आप ये भी पुट कर सकते हो, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। उसके अलावा अगर अपने को इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो अपने को रिलेशन पता है। देखो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन होता था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल होती है E इनटू V नोट, वेयर V नोट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो E V नोट इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नोट।
तो अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इस ई को इधर भेज देंगे। देखो यहां से विनोड इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू अपॉन ई माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नोड। मतलब ये जो ई है इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है भाई? अगर हम ग्राफ बनाना चाहें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम y कंसीडर कर लें और इस फ्रीक्वेंसी को x कंसीडर कर लें, तो फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट। यही होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो देखो जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं फ्रिक्वेंसी को। तो ये ग्राफ हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये ग्राफ जो इस टाइप से बनता था, इसका मतलब ये है जब तक फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तक नहीं हो जाती, तब तक तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उनमें, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इस केस में फिर स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है अपना वो भी जीरो हो जाता है, बिकॉज ये रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये है ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखो जो इक्वेशन आप पढ़ते हो स्ट्रेट लाइन की वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें जो एम होता है ये स्लोप होता है उस ग्राफ का। तो यहाँ पे जो स्लोप है देखो ये हो जाएगा एच अपॉन ई। तो ये जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब टेन थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब टेन थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन ई। तो ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप से आएंगे थोड़ा सा उसको समझना। जैसे सपोज दैट ये एक मेटल सरफेस है और हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। मान लो इसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक आने में इतनी एनर्जी चाहिए होगी। और मान लो इस मेटल के ऊपर फोटोन आता है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए केवल इतनी एनर्जी चाहिए, जबकि उस फोटोन में इतनी एनर्जी है तो वो आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट कर देगा। बट सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, सॉरी जो फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करो। तो देखो ध्यान से देखना, इस फोटोन इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपने को बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस फोटोन में कितनी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे तो फिर उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो आ जाएगी। क्लियर है? मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, समझ आ रही का नहीं? ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं।